क्या सचिन पायलट की जिद के आगे सीएम अशोक गहलोत नरम पड़ चुके हैं? पायलट का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही सीएम गहलोत ने उनकी मांगों पर जवाब दे दिया है। दरअसल सचिन पायलट के अल्टीमेटम को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पार्टी में अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ा दिया। सीएम गहलोत ने कहा कि हमारी पार्टी में अनुशासन है, जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं वही होता है। सीएम गहलोत के इस बयान के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चाएं चल रही हैं कि क्या सचिन पायलट के अल्टीमेटम से राजस्थान के मुख्यमंत्री घबरा चुके हैं। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत लगातार अपनी योजनाओं का दम भर रहे हैं, वो योजनाओं की बात कर रहे हैं, महंगाई राहत कैंप के दम पर इस विधानसभा चुनाव में जीत जाने का दावा भी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी को भी आईना दिखाने से वो नहीं चूक रहे। वो सीधा अटैक करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और कह डालते हैं कि मोदी जी का बस चले तो नगर निगम के चुनाव में भी उतर जाएं, वहां पे भी वो चले जाएं। इसलिए वो ऐसा कहते हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई सारी सरकारी योजनाओं के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सियासी हमले किए थे। अब आपको बताते हैं कि सचिन पायलट के अल्टीमेटम वाले सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या जवाब दिया। दरअसल इस पूरे बैकग्राउंड को समझने के लिए जानना जरूरी है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पार्टी आलाकमान का यानी कांग्रेस आलाकमान का ध्यान एक बार फिर से राजस्थान की तरफ आ गया है। यहाँ जो राजनीतिक संकट चल रहा है, पायलट और गहलोत का जो गुट की लड़ाई चल रही है, उस पर कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस है। विधानसभा चुनाव से पहले वो अशोक गहलोत बनाम पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच वाले विवाद को और बड़ा नहीं बनाना चाहती। इस साल के अंत तक राजस्थान में विधानसभा के चुनाव का ऐलान हो सकता है, चुनाव हो सकते हैं, और अगर पहले चुनाव हो जाए एक दो महीने पहले तो अंत तक तो नई सरकार आ जाएगी, लेकिन चुनावों से कुछ महीने पहले ही राजस्थान में अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ जन संघर्ष पदयात्रा तक निकाल चुके पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर कांग्रेस आलाकमान अब थोड़ा सा सख्त होता भी नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि अगर पायलट नहीं मानते हैं तो कांग्रेस आलाकमान उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है और कार्रवाई किसी भी स्तर की हो सकती है। पहली कोशिश हालांकि ज़रूर ये होगी कि सचिन पायलट को मना लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि एक पैच दिखाया जाए, एक दोस्ती दिखाई जाए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ तस्वीरों में दिखे जैसे पिछले विधानसभा चुनाव के पहले या प्रचार के दौरान हो रहा था। लेकिन मामला क्या है, करप्शन और पेपर लीक के मुद्दे पर सचिन पायलट के अल्टीमेटम में अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बचा है। मई के आखिर में ये अल्टीमेटम खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटम को लेकर पहली बार सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया। अब तक वो सवाल को टालते रहे थे, जवाब नहीं देते थे, लेकिन जयपुर में बिड़ला ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत वो कर रहे थे और उसी दौरान ये सवाल उठा। तब उन्होंने कहा कि मीडिया बातों को ज़्यादा फैला देता है, हम उस पर बिलीव नहीं करते, हम ये मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ाई लड़े, हम चुनाव जीत कर आएंगे। अपने बयान में आगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अनुशासन होता है, एक बार हाईकमान जो तय कर देता है उस फैसले को सब मानते हैं। पहले सोनिया जी थी, अब खड़गे साहब हैं, राहुल गांधी हैं, ये जब एक बार फैसला कर लेते हैं तो सभी लोग उनके फैसलों को मानते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ये संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि 26 मई को जो दिल्ली में पार्टी आलाकमान एक बड़ी बैठक कर रहा है जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट वाले विवाद पर कोई फैसला आने की उम्मीद है, वो ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मीटिंग में जो कुछ होगा आलाकमान जो तय करेगा वो मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर राज्य की मीटिंग बुलाई गई है, हम चाहेंगे सब अपने अपने सुझाव दें और जितने भी लोग आएंगे वो भी अपने अपने सुझाव देंगे। उसके बाद यानी उस मीटिंग के बाद और सुझावों के बाद हाईकमान जो भी निर्देशित करेगा वो हम मानेंगे। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि वहाँ डिस्कशन होगा और उसमें हो सकता है कि कर्नाटक में हमारे अनुभव पर भी चर्चा हो कि कर्नाटक में किस तरीके से हमने ये चुनाव लड़ा था। हालांकि एक बात और जो इशारा है, कर्नाटक में भी दो गुट दिख रहे थे लेकिन अब वहां सरकार एक साथ दिख रही है। अशोक गहलोत कहते हैं कि उस मीटिंग में प्रेजेंटेशन होगा और उसके बाद फैसले को मानकर हम आगे बढ़ेंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का झंडा बुलंद हो ये जनहित में है और देश हित में भी है। कांग्रेस के राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी किसी नेता को पार्टी से निकालना नहीं चाहती। इशारा सचिन पायलट की ओर था। सचिन पायलट के खिलाफ एक्शन लेने और उन्हें पार्टी से निकालने की अटकलों वाला ही सवाल जब हुआ तब उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी
अपने किसी भी नेता को पार्टी से निकालना नहीं चाहती, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जो हर एक आदमी का, हर एक नेता का, हर एक कार्यकर्ता का सत्कार करती है। जो पुराने नेता हैं उनको तो पार्टी कभी भी नहीं छोड़ेगी। कांग्रेस को कोई छोड़ गया हो, लेकिन कांग्रेस ने किसी को भी नहीं छोड़ा। जो छोड़ कर गया है उनका हाल क्या हुआ ये सब जानते हैं। कहीं ना कहीं सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने इस बयान के जरिए सचिन पायलट को कुछ इशारे करने की भी कोशिश की है। उन्होंने सचिन पायलट की यात्रा के मुद्दे पर भी कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनकी निजी यात्रा थी, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। यात्रा होनी चाहिए लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात भी होनी चाहिए। यात्रा होनी चाहिए वाला बयान बताता है कि अब तक सचिन पायलट को मनाने की कोशिश कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है। सचिन पायलट को पार्टी मीटिंग में भी वो सारी बातें उठानी चाहिए जो उन्होंने यात्रा के दौरान उठाई, क्योंकि पार्टी की मीटिंग में वो बोलते तो वहाँ पूरे कांग्रेस के लीडर बैठते, वहीं पर बात होती। और अगर वहाँ बात नहीं होती तो हम उनको कह सकते थे कि उनकी बात नहीं सुनी गई या जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने पार्टी मीटिंग में बात क्यों नहीं उठाई, ये सवाल भी राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी लगातार उठाते रहे। इस बीच ढेर सारी मीडिया रिपोर्ट हैं जो कि इस दो गुटों की लड़ाई को लेकर सामने आ रही हैं। उनमें से कुछ में दावा किया जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सचिन पायलट को पार्टी में रखने के पक्ष में नहीं है। तो भले ही वो जिस भी तरीके का बयान दें, आलाकमान की बात मानने की बात करें, लेकिन असल बात जो उन मीडिया रिपोर्ट से निकल कर सामने आ रही है वो ये कि अशोक गहलोत चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सचिन पायलट पर कार्रवाई हो। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे विधायक, राजस्थान कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ये दोनों ही नेता, यानी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट, कांग्रेस में बने रहें ताकि पावर ऑफ बैलेंस बना रहे, पार्टी ना टूटे। और देखिए, दोनों ही चेहरों की अपनी अपनी सियासी ताकत है, उनके अपने अपने फॉलोअर हैं, समर्थक हैं, और अगर ये दोनों चेहरे एक साथ दिखते हैं तो फायदा कांग्रेस को होगा। और इसीलिए कई विधायकों नेताओं का मानना है कि सचिन पायलट को कुछ ऑफर भी दिए जाएं जिससे वो मान जाएं और ये जो रार दिखाई दे रही है, ये जो दोनों ही नेताओं में दूरी दिखाई दे रही है, कम से कम सियासी मंच पर, कांग्रेस के मंच पर ये दोनों नेता जैसे पिछले विधानसभा चुनाव से पहले एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले, या फिर राहुल गांधी ने जो एक तस्वीर जारी की थी जिसमें एक तरफ सचिन पायलट थे और दूसरी तरफ अशोक गहलोत, वैसी तस्वीरें इस विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिखे, इससे फायदा कांग्रेस को और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का फायदा भी साफ तौर पर हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।